artist in her own right, and Manu Parikh's wife, Madhavi Parikh, does a lot of painting on the rural landscapes, which is where her roots are from. Here, she accompanies her husband, painter Manu Parikh, for a workshop with the students, as well as a slide and lecture show. We talked to Madhavi on how, in spite of not being an art student or following a degree course in art, she has emerged as one of the finest painters and displays her work all over the world as well as in India. Chandigarh mein aapka welcome, Madhavi ji. Aap workshop lene aayi hain Manu ji ke saath aur ek slide show aur lecture bhi karengi. To kaisa lag raha hai aapko saath saath kaam karna, saath mein students ko bhi sikhana? और कैसा एक्सपीरियंस है ये? हाँ, घर में तो हम लोग स्टूडियो अलग अलग है, मतलब अच्छा रहते हैं साथ में इधर, हाँ सबके साथ, मतलब हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी, और मनु पर एक साइड करते थे, मैं करती थी, हाँ जी, एक अच्छा एटमोसफियर लगता है मेरा, जी जी, नई जगह जी, नए नए लोगों के साथ बात करना, जी जी जी, बहुत ही अच्छा लगा. ओके, और स्टूडेंट्स का कैसा रहा, स्टूडेंट्स के साथ काम करना? अच्छे स्टूडेंट है जी जी, सब एक रिस्पॉन्स करते, इनको क्यूरियोसिटी भी है जी जी, मैं कुछ हमको नया जानने का मिलेगा, सीखने के मिला, टेक्निक्स जानने के मिलेगी जी, जी. जिन्होंने जितने पोर्ट्रेट बनाए सब बैठ गए थे अच्छी तरह. ओके, फिर मेरे साथ वही काम करते बात करते थे, हाँ जी. स्केचबुक मेरे पास थी, वो दिखाई, वो उनको अच्छा लगा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो आप अपनी काम के बारे में थोड़ा बताइए. आप किसी आर्ट कॉलेज नहीं गई और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी आपकी आर्ट में, लेकिन इतने सालों में आप बहुत काम करती हैं और बहुत खूबसूरत काम करती हैं. तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, एज अ पेंटर, मनु जी से आपने सीखा पेंटिंग. बहुत लंबी कहानी वैसे, पेंटिंग शुरू कहाँ से किया क्या. पहले हम लोग साथ में अहमदाबाद में जॉइंट फैमिली में रहे, फिर इनको नौकरी मिली बॉम्बे में जी, वहाँ हम एक छोटा सा घर में रह रहे थे, वो काम पर जाते थे जी. मैंने फिर मॉन्टेसरी शुरू किया. अच्छा. मेरे को खाली बैठना तो अच्छा नहीं लगता, हाँ जी. वेला बैठना मतलब बोरिंग जैसे, हाँ मैं कभी बोर हुए में लगती नहीं, कुछ ना कुछ कुछ घर में भी काम करो, हाँ कुछ पढ़ो, नहीं तो टाइम हाँ मिलने से, हाँ जी. तो वो जाते थे, फिर मॉन्टे थे हम लोग सुबह में खाना बना के, फिर मैं दादर जाती थी, वो अपने ऑफिस में जाते थे, शाम को आके भी खाना बनाया. फिर हम रोज मरीन ड्राइव पर जाते थे, जहांगीर आर्ट गैलरी, ताज आर्ट गैलरी में शो देखते थे. ऐसा करते करते पूरा साल हो गया, मेरा एग्जाम भी हो गया, मतलब आने वाला था. इस दरमियान हाँ एग्जाम के बाद फिर मेरे को मैं प्रेग्नेंट हुई, तो और भी अच्छा नहीं लगने लगा जैसे. तो फिर क्या करे क्या करे, और वैसे ही मॉन्टेसरी खत्म हो गया था. तो फिर क्या, मेरे को काम करना है, कुछ सीखना है. बोला नहीं नहीं, ये लाइन इतनी ईजी नहीं है, उसमें तो बहुत मेहनत है, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी. तो एक हफ्ते के बाद फिर इन्होंने मेरे को पॉल क्लिका, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर सिखाया, मतलब ओके ओके. तीन चार बार मैंने पेपर में किया, फिर मैं ये भी बोरिंग है ना, रिपीट करना भी. तो फिर मैंने फॉर्म किया, क्योंकि मैं गांव की हूँ जी. गांव में तो दिवाली के टाइम रंगोली करो, फिर शादी के टाइम जैसे गणेश जी को बनाते हैं वॉल पेंटिंग. पहले तो मंदिरों में पूरा दिवाली पर, हमारा स्वामीनारायण वड़ताल में मंदिर है, पूरा घुम्मट में पूरा रामायण बनाया हुआ है जैसे, पूरी कहानी मतलब रामायण महाभारत में. तो तब तो छोटे छोटे ऐसे ऊंचे देख देखते थे, पूरा देखते थे हम लोग जी जी जी. तो वो ये देखा हुआ जैसे जी जी जी. और फिर गांव में तो हर एक त्योहार में, दिवाली के दिन अलग होता है, मतलब होली के टाइम एक रंगों का त्योहार है, मतलब गांव का तो पूरा ड्रेस ही आपको कलरफुल लगेगा. राजस्थान में जाओ तो भी कलरफुल, गुजरात में भी कलरफुल ड्रेस है, सब कोई मर जाए भी सफेद पहनते, बाकी तो सब कलर कलर ही होता है, मतलब यहाँ नहीं दिल्ली में तो समर में व्हाइट पहनो, फिर ड्रेस पहनो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं. तो हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, कुत्ते भी हुए आसपास, भैंस भी है हमारे बाजू में, भैंस बाते तो आवाज सब साउंड सीखा हुआ है. तो गांव का लाइफ ही अलग है. चार बजे घंटियां मंदिर में बजेगी, वो मक्खन बनाते हैं जिसका आवाज आता है, तो ऑटोमेटिक नींद भी खुल जाएगी. ट्रू. तो आप कौन से गांव से हैं माधवी जी? मैं गुजरात के, जहाँ आनंद अमूल निकलता है, वो मेरे गांव का ही दूध, मतलब आसपास के गांव का दूध ही जाता है उधर. अच्छा, और मेरे सामने वो बना हुआ है अमूल. अच्छा, तो आर्ट में शुरू से था इंटरेस्ट? था नहीं, नहीं, मेरे पापा टीचर थे. हम चार बहनों, दो भाई, एक इंजीनियर है, एक वकील है, और हम लोग, मेरी एक बहन टीचर है. मेरे को कुछ शुरू से करना था जी. तो एक साल तो जॉइंट फिल्म, फिर बड़े जैसे बॉम्बे गए, बॉम्बे से मॉन्टेसरी स्कूल गया जी. तो मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चे को जैसे डिजाइन सिखाएंगे तो आलू काट के रंग में करके कर, तो वो भी अच्छा लगता था मेरे लिए, नया नया था. फिर आवाज का साउंड जैसे डब्बियां लेंगे छोटा बड़ा, फिर एक लड़की ऐसा करते करते एक पोर्ट्रेट बनाया उसने अपनी माँ का, लेडीज का, फिर उसने उल्टा करके जोड़ा पीछे बनाया,
तो मैंने कहा ये क्यों ऐसा किया, मतलब जुड़े पीछे होता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो मैं कहा ये भी बच्चों में कितनी बुद्धि होती है, जी जी तो मैं घर आके इनको बात कर दिया, पता है जैसा हुआ ऐसा हुआ, तो इनको भी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग बात है। जी जी करते जी करते फिर मैंने पेंटिंग, जैसे आप ट्राइंगल वाला उसमें फॉर्म होने लगा, जैसे ठीक है गोल सर्कल में फेस बना, ठीक है स्क्वायर में बॉडी बना, दो ट्राइंगल बना, वो तो हाथ बना, फॉर्म बन गया एकदम अच्छी तरह। राइट तो इनको राइट। मजा आया जैसे, हाँ जी हाँ जी, चलो कुछ करते हैं। फिर मैं मेरी बेटी जैसे जन्म हुआ तभी तक मैंने किया था। ओके। फिर आने के बाद हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, इन्होंने भी 6 महीना काम नहीं किया, मैंने भी किया। फिर वो जैसे मॉन्टेसरी जा रहे पाए छोटे स्कूल में जाने लगे, तब फिर मैंने काम शुरू किया। अच्छा, तो मजा आया सब करते करते। अच्छा, तो कहाँ से शुरू किया माधवी जी? 64 से मैंने शुरू किया है काम। और कितना मुश्किल था अपने हस्बैंड से ट्रेनिंग लेना और उनके साथ काम करना, क्योंकि वो तो उस टाइम पर काफी एस्टैब्लिश्ड बन जाते थे, कभी टीचर बन जाते थे, पर अच्छी तरह सिखाते थे इनमें। अच्छा, खुद मुझे बोला कि तू एक कर, अच्छा मैं आके देखता हूँ। अच्छा, तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसे एक्सप्लेशन केस कितना क्या हुई हो जाए। जी 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 जी। और तो आपने टेक्निक तो उनसे सीखी, काफ़ी फॉर्म सीखा, शुरू शुरू में टेक्निक फॉर्म सब कुछ सिखाते थे। वो तो फिर थोड़ा दिन में फिर मेरे को, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है तो मेरे को याद रह जाता था। अच्छा अच्छा, तो आपने फिर पढ़ना भी शुरू किया कुछ आर्ट के बारे में? नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा? नहीं, एग्जीबिशन देखते थे जी, कभी बुक देखी, जैसे कैटलॉग देखा जी, जी। मेरा अपना कैटलॉग पढ़ने का भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि घर काम, बच्चों को पढ़ाना, वो सब पहले जरूरी मुझे लगता जी, था जी, फिर जी। मैंने कहा तुम पढ़ो, फिर मेरे को बता देना, सुनाई देना। जी जी जी। तो पेंटिंग कब से, 64 में आपने बोला आपने एग्जैक्टली शुरू की, तो कैसे शुरू की, किस तरह के? तब ड्राइंग मतलब पेपर पर ड्राइंग करते थे, फिर आस्ते आस्ते ऑयल में मैं डॉट से करती थी, क्योंकि मुझे ब्रश से नहीं होता था, तो मैं वो फेस पेंट से करती थी अंदर बोर के, तो बहुत देर लगती थी डॉट्स करने में। फिर आस्ते आस्ते फिर 0 नंबर का, 1 नंबर का ब्रश से शुरू किया थी। बहुत मुश्किल भी होता था करना भी, क्योंकि तो कुछ देख के करती थी कि कोई आपको मनु जी कहते थे कि ये बना के रखिएगा? नहीं, वो कैसा कभी नहीं किया, मैं अपने मन से। यहाँ अच्छा, तो क्या आइडियाज क्या आते थे आपके मन में? आइडिया तो एक थोड़ा दिन करो जैसे काम, तो अपना इधर से शुरू करो, तो तब तो मैं वो डॉट्स डॉट्स करती थी, तो बहुत मजा आता, कभी इसमें फिगर हुआ, ठीक है एकदम पॉप आर्ट की तरह जो हो जाता हाँ जी, था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ अच्छा जी। लगता। फिर फिगर बनाना शुरू किया, वो ह्यूमन फिगर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो शुरू एब्स्ट्रैक्ट से किया। हाँ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोला जाए, मगर रियल फिगर नहीं, मतलब वो जो ट्राइंगल वाला स्क्वायर वाला उसमें से जो शुरू हुआ, फिर मेरे को जो मन में आया अपना फ्री हैंड से, जैसे तो मीडियम क्या इस्तेमाल करते थे? और फिर तब आपको लगा कि आप इतना सीख गई हैं या इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अपने काम को डिस्प्ले करना शुरू कर सकती हैं, और वो फेज कैसा था कि आप एक खुद अपने फेज आप... बहुत अच्छा था वैसे देखा जाए तो जी, क्योंकि मेरे जो मैं काम करती थी पेंटिंग के, जो ड्राइंग, वो सबको एक नया लगता था, मतलब। तो क्या नयापन था उसमें? वो मुझे नहीं पता, लोगों को पूछना पड़ा क्या नयापन था, पर एक नया मटेरियल, नया फॉर्म, नया फिगर, कलर में ब्राइट कलर होता था जो आपके गांव के बैकग्राउंड से, हाँ वही एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, जैसे हम लोगों ने कि मैं स्कूल जाती थी तो सनराइज सनसेट होता था उस टाइम, वो तो एकदम पूरा सन पूरा रेज लाइट, हाँ एकदम हाँ। 7 रंगों सा जो होता है ना, लिखा हुआ कि सफेद रंग 7 का, वो दिखता था कभी कभी। ओके, तो लगता कितना सुंदर आर्ट, नेचर में कितना आर्ट भरा हुआ है, कलर स्कीम के सब कुछ देखो, आसपास पेड़ है, तो जब पेड़ जमीन, अरे खेत भी थे, तो नया नया जब कोई पाक होता अनाज बनता तो एकदम सुंदर कलर उसका होता था। फिर जैसे सरसों का साथ हमारा उधर नहीं होता, पर कभी कभी होता था गेहूं के साथ, तो येलो कलर और ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता था देखने में, और यही कलर जो आप पेंटिंग में लाओ तो भी कितना अच्छा होता है। right. तो कभी एक्सपेरिमेंट कर, कभी गलती भी होती थी, फिर सुधारते थे, इससे करते थे, मजा आया था। पर एम्ब्रॉयडरी का टाइम जो कलर स्कीम होता है, फ्लावर का पिंक रेड और पत्ते ग्रीन होते थे, तो वही से पेंटिंग में मेहनत किया था कि कैसा लगता है, क्योंकि अपना नॉलेज तो था नहीं यार, कि कहाँ कॉम्बिनेशन क्या होता है सब। दैट्स राइट, अच्छा होता था। अच्छा, तो वहाँ से लेके आपने अपने एम्ब्रॉयडरी से लेके कैनवस के ऊपर आपने किया, तो थीम्स क्या थी आपके काम की? या कोई थीम भी नहीं होती थी मेरे ख्याल से, फ्री हैंड से ही होता हर एक चीज। फिर आस्ते आस्ते होने लगा, चलो रावण बनाओ, के त्योहार के लिए कुछ दुर्गा काली बनाओ। हम लोग कलकत्ता में गए ना, फिर तो वहाँ त्योहार का बहुत, सरस्वती पूजा, काली पूजा और दुर्गा पूजा, तो उस टाइम एक फेस्टिवल का बहुत
एटमोसफेयर होता था जी जी अच्छा लगता था, वो लोग भी खुश होते थे। बंगालियों के तीन त्यौहार में तो सब फुल मतलब अपना हाँ फॉर्म में रहते थे, हाँ खरीदी करना, सेल सेल की आवाज़ हाँ और खाना बाना से लेके, और जी मतलब 4-5 दिन बहुत अच्छा रहता था। जी, हम आरती देखने जाओ और हर मोहल्ले में एक एक मतलब दुर्गा का के काली के टाइम वो सब उनका पूजा का पंडाल बनता था। जो बंगाली लोग बहुत अच्छे थे वैसे, वहाँ मैंने मेरा कलकत्ता में आर्ट का पूरा अप्रिसिएशन जिसको बोलेंगे तो कि थोड़ा कुछ बोला क्यों सुंदर है क्यों भालो ऐसे बोल के इनका अप्रिशिएट करने का मतलब कोई ऐसा नहीं, अरे अच्छा नहीं बुरा नहीं, कभी ऐसा नहीं बोला है, अरे बहुत अच्छा है मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, ऐसी बातें ही करते थे। तो मेरा पहला ग्रुप शो ही कलकत्ता में हुआ मतलब। ओके, तो कलकत्ता का क्या इन्फ्लुएंस था आपकी? हम कलकत्ता में मनुपर एक नौकरी करते ट्रांसफर हुआ था। हाँ, पर आप मतलब जो सिटी था वो आपके काम में कैसे दिखा? आपको लगता है कि काफ़ी उसका असर आपके हाँ, काम पे मेरे को मैं जो दुर्गा काल है तो मुझे वहाँ से इंस्पायर किया कि कितना बड़े बड़े स्टैचू होते थे, फिर वो तो अपने छोटा छोटा मैंने किया, मैंने 2 बार किया, आज से 15 साल पहले भी सीरीज बनाई थी और अभी बाद में अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले मैंने किया तो फिर दोबारा। क्या नाम था सीरीज का? नहीं मतलब दुर्गा काली, दुर्गा काली का। अच्छा अच्छा और वो आपने अपने ही फोक अपने इमेज से ही बनाया था तो पहले वाला मैं थोड़ा था दूसरा था, ये टाइम थोड़ा फिगर में अच्छी तरह बनाती थी क्योंकि इतने साल करते करते प्रैक्टिस से ही हर एक चीज़ हो जाती है। जी जी जी, तो जब शुरू किया था आपने पेंट करना और अब तक आपको अपने काम में क्या अंतर लगता है हर तरीके से, जैसे थीम हो, कलर हाँ, हो, फॉर्म हो? वो तो मेहनत करो हर एक चीज़ में तो हमेशा आस्ते आस्ते उसमें एक प्रोग्रेस ही होता है मतलब। जी मैंने बिंदु से जी एक लाइन से शुरू किया था, इतना ट्रायंगल सर्कल ऐसे जी, फिर आस्ते से फॉर्म जी, फिर कलर मैं ऑयल में भी किया, वाटर कलर भी मैंने श्यामल अच्छा। दत्तरे ने अर्पिता ने मेरे को टेक्निक सिखाया ऐसा करो अच्छा, जैसे अच्छा। अर्पिता सिंह ने तो फिर हमने चारों ने शो किया अच्छा। अर्पिता, नीलिमा, नलिनी और मैंने भोपाल में किया, बॉम्बे में किया, दिल्ली में किया और मद्रास में भी शायद किया है कि बैंगलोर में किया, 2 में सीखते जाते वो हमारा चारों का बहुत अच्छा हुआ, वाटर कलर का ही मतलब किया, फिर नहीं हुआ वो हुआ जब फिर इंडिविजुअल सारा अपना अपना करने लगे जैसे। ठीक है ठीक है, तो आजकल क्या कर रही है माधवी जी, किसी अभी नए सीरीज पे काम कर रही हैं? लास्ट मेरे ख्याल से 2008 से अभी तक जीसस क्रिस्ट के सीरीज पर मैंने काम में कर रही हूँ मतलब अभी भी। ओके, क्योंकि हम लोग बाहर प्रदेश में हर साल जो पॉपुलर प्रकाशन वाले हैं वो हमने बहुत तरक्की ले गए, फिर चाइना ले गए, फिर मतलब पूरा जो हम घूमे हैं वो इन्होंने घुमाया पूरा प्रदेश में तो और फिर हम रशिया गए, वहाँ तो बड़े बड़े चर्च देखे हैं और बाहर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे यहाँ हमारा मंदिर होता है वहाँ इनका चर्च बहुत चर्च बड़े बड़े और शांत लगेगा एकदम जैसे तो उसमें जैसे जीसस का अलग अलग फॉर्म बाहर पढ़ो तो भी इनके बारे में पता चलेगा। अगर वैसे मेरा फ्रेंड टीचर हमारे बचपन में क्रिश्चियन ही थी okay. उसके मुँह से सुनी हुई बात वो रियल में देखने को आई right. तो एक दिन हम लोग कहाँ गए थे मैं नाम भूल गई मगर तो चर्च से बाहर निकले जो हिटलर की लड़ाई जो हुई थी वो नाम मैं भूल गई उसका तो बाहर निकले अंदर उस टाइम 60 साल की जो औरत होगी वो 4-10 साल की होगी तभी का वो सारा दिखाया था तो हिटलर की लड़ाई में तो बहुत ही पूरा एक पूरी ट्रेन बताई है उसमें जूते चम्मच और सबका इंटरव्यू से ऐसे हर जगह देखो तो पेंटिंग पे इंटरव्यू है और एक लड़की अंदर के छुप गई थी सारा हिटलर के जब मारने आगा वो लड़की का रियल हमने जो 60 साल की होगी तो वो देखा और बाहर निकलने के बाद हमने बच्चों की आवाज़ वाले को साउंड एंड लाइट का शो देखा इतना दुख हुआ कि क्या ह्यूमन बींग के लाइफ में हो गया। फिर मैंने देखा कि जीसस का स्टैचू कितना शांत बैठे हुए तो मैंने उसी टाइम मन पाया कि मेरे को ये बनाना है, उसका आइकॉन भी बहुत अच्छा है मतलब जैसे एक फॉर्म मतलब तो बोला हाँ ठीक है करते हैं। तो फिर नलिनी ने रिवर्स पेंटिंग का मेरे को सिखाया कि किस टेक्निक क्या है क्या क्या करने तो मैंने शुरू ही जीसस का रिवर्स पेंटिंग शुरू किया फिर रास्ते बीच में फॉर्म आ जाते थे जैसे। तो क्या क्या इस सीरीज में क्या क्या है जीसस की सीरीज में आपने क्या क्या और फिलॉसफी क्या है इस सीरीज की? फिलॉसफी तो कुछ नहीं मगर मुझे फॉर्म भी अच्छा लगा था फिर इनका अनुयायी फिर लास्ट सफर तो लास्ट सफर तो मुझे पता नहीं लास्ट सफर मतलब क्या सफर मतलब तो जैसे सफर करते हुए गुजराती सफर मुसाफरी तो फिर मेरे किसी ने बोला लास्ट सफर पता है जैसे नहीं मेरी काम वाली थी वो क्रिश्चियन थी तो लास्ट सफर क्या बोलते बोले रात को खाना खाने बैठते हैं बातें करते हैं उसको ही लास्ट सफर बोलते हैं। फिर कोई आया तो बोला लास्ट सफर पता है उसमें 12 शिष्य है बीच में जीसस है और 12 में से कोई
जिससे एक मारने वाले थे, right. वो हमको बाद में पता चला, कहाँ इतना पैराग्राफ पढ़ा होगा तब मुझे पता कि सबका एक्सप्रेशन अलग होता है कि फिर मैं नहीं ऐसा करके होता है सबका, एक हाथ से कि नहीं मैं नहीं ऐसा करके तब पता चला कि तो वो एक इंस्पिरेशन था आपके काम के, तो अभी तक कर रही हैं वो? अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं थकी हूँ, मगर दूसरा कुछ ढूंढना है तो मैंने भूपन कक्कर का 2 पोर्ट्रेट 3 बनाया है, तो जाके भी मेरे को और भी 2 बनाना है, क्योंकि रेणु मोदी के गैलरी में शो है, तो चलो मैं कहीं नया कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे उसके लिए। और जो फोक फॉर्म्स हैं, फोक आर्ट है, जो उसके मोटिव्स हैं गाँव के, वो भी आपके काम में काफी दिखते हैं माधवी जी? पहले बहुत था, वही था जो आप बोले वही चीज थी, फिर आस्ते आस्ते हटी और उससे फिगर बनने लगा। डिस्टेंस में हमें खेत में से रास्ते में से आती जाती थी गांव में से, तो वो तो था ही जैसे स्पेस। बच्चे भी बड़े हो गए, साइकोलॉजिकल, फिर स्त्री एक शक्ति है उसमें है कुछ, जो कुछ चाहे कर सकती है, बच्चों को भी बड़ा किया जैसे। और गुरु अच्छा था हमारा, स्टिक तो था मगर अच्छा था बोलेंगे तो आप अभी तक सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी जी जी, तो आप मनु जी के काम को सपोर्ट करती हैं और वो आपके काम को सपोर्ट करते हैं? पता नहीं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, सपोर्ट वो भैया दी जरूरत तो पूरी करते हैं ऐसे ही जैसे। जी जी, पर आपके स्टूडियोज अलग अलग हैं, अलग अलग काम पास में नहीं है, साथ में रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्फ्लुएंस डिस्टर्ब होता नहीं एक दूसरे को। जी जी जी, तो आपको क्या सबसे ज्यादा, जो आजकल के आर्टिस्ट हैं, आजकल का नया काम हो रहा है बाहर भी और वो, तो मेरे इतना नॉलेज नहीं है, मगर जो हाथ से काम करो ना वो जो इसमें मजा है, मैं भी करती ब्रश से। आजकल तो सभी इंसोलेशन है, तो अच्छा नहीं सर नहीं बोले, वो भी आर्ट बोलते हैं, तो जिसको जो अपने मन में आएगा वो करे, अच्छी बात है। और आपके लिए पेंटिंग सबसे? हाँ, मेरे लिए पेंटिंग, हाँ मुझे वाटर कलर करो, भी ब्रश से करोगे, बीच में वो ग्राफ किसी कंप्यूटर जोर से करते थे, वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको जो समझ में नहीं आता ना, अच्छा भी जो आजकल की जिंदगी का वो है, बहुत तेजपन है और नहीं, हम उसमें है ही नहीं, हम तो गांव वाले हैं ना, आराम से बैठ के बातें करने वाले, काम करने वाले, तो वो सब आपके काम में आता है? वो 1 से 10 के 1 नंबर जो होना ही नहीं, काम करते हैं, मेहनत का फल भगवान देते हैं, ऐसे ही काम करो। और कोई ऐसी थीम या सब्जेक्ट जो आपके दिमाग में बहुत साल से चल रही हो और जो आप कैनवस पे करना चाहती हैं? कैनवस पे तो मैंने स्कल्पचर भी किया है ना, अच्छा, 4, 5, 6, 7 पीस किया है मतलब। अच्छा, तो किस? फिर अभी जो बॉम्बे एयरपोर्ट पर, हाँ जी हाँ जी, राजेश सेठी जो बना रहे हैं, उसमें वुडन खटोला भी बनाया है मैंने, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे है वो? वुडन खटोला का मतलब पहले के जमाने में होता था, भगवान मर जाने के बाद भगवान पुष्प विमान में ले जाते हैं जी, तो एक वुडन खटोला का नाम दिया हमने, एयरपोर्ट पर ट्रेन जाते हैं। अच्छा, तो बड़े डिफरेंट मीडियम है पेंटिंग और स्कल्पचर, तो बहुत मुश्किल, रोना आता था, अच्छा भी लगता था ना, क्योंकि टोकरी रफ होती है ना और फिर ब्रश एकदम स्लिप हो जाता। जी जी जी, आस्ते 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 थोड़ा करो, फिर बैठ जाओ, फिर थोड़ा जी, मैंने कितनी सारी टोकरियां भरे, 25-30 की टोकरियां और वो सूप सारा मिला के बनाया हुआ था। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती है? हाँ, नया मेरे को नया सीखना, मैं एक खिचड़ी खा के बोर हो जाती हूँ, दाल चावल खा के ऐसे मुझे बोरिंग लगता है, हर एक चेंजिंग चेयरिंग ऐसा वो अच्छा लगता है, नया नया करना है, मतलब सीखना जी, टीवी में देखो नया खाना कुछ बनाओ कि किसी का सुनो तो नया कुछ जी करने का मतलब जी। तो फिर एग्जीबिशंस जाती हैं और आर्ट शोज देखते हैं? हाँ, वो तो देखते हैं, अभी सीजन शुरू हुए थे जी, दिन में कभी 2-3 शो होता है, देखते हैं जैसे जी, जी। तो आजकल नया भूपेन पे कर रहे हैं पोर्ट्रेट पे काम? हाँ, 2-3 तो किया है, एक एक ले गया मेरा, तो और भी इंस्पायर अच्छा। हुआ कि उसके पास खाली भूपेन ही भूपेन ही है। ओके ओके ओके, बिल्कुल ओके। तो कुछ और कहना चाहेंगी यंग आर्टिस्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट को बोला मेहनत करो, मेहनत सबसे पहले, दिल लगा के मेहनत करो जी, फल ऊपर वाला देखता है। और आपको कभी नहीं लगा कि आप कॉलेज नहीं गई तो उससे फर्क? कभी शुरू शुरू में लगता था, टेक्निकली जब समझ में नहीं आता ना, फिर इनसे पूछना पड़ेगा, अरे ये कलर हो गया, क्या हो गया। एक बार मेरी लड़की छोटी थी जैसे, तो ब्लैक एंड व्हाइट में काम करती थी, तो ट्रेन का गोल चक्कर करते तो उसके हाथ लग गया, तो व्हाइट में ब्लैक में व्हाइट में बाबर कैसे करेंगे, मैंने उसको बेचारे को मारा भी है, ऐसा गया, फिर वो रोई मैं रोई तो आए बाहर से ऑफिस से, तो सीरियस एटमोसफेयर देखे, बोले क्या, मैं कुछ नहीं, उसने ऐसा गोल 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 करते तो उसका हाथ लग गया, तो बोले कुछ नहीं होता मैं कर दूंगा करके, तो फिर व्हाइट लगाया था, अभी पैच है, और वो पेनिंग हमने किसी को दिया नहीं, तो मेमोरी है इस तरह की। तो बट अदरवाइज आपको नहीं लगा कभी कि नहीं, मनु पारेख जैसे हस्बैंड होने से नहीं लगेगा? कभी मैंने इनका वो कभी बोला, मेरे को कोई हेल्प नहीं करता, मैं अपना कुछ मैं कंफ्यूज होगा तो अगर तुम्हारे तो मैं हूँ, मैं कहा वो तो मुझे इसलिए मुझे शांति भी है ठीक है।
तो आपको लगता है कि आप यहाँ तक हैं, पहुँची हैं, तो अपनी सिर्फ मेहनत से? मोस्टली से इनको याद है मतलब इसके बारे जी 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 और आपकी खुद की मेहनत और जो हाँ, मेहनत हाँ। लगन थी आपकी करने मैं तो पेंटिंग करके रख देती, कुछ नहीं करती। फ्रेम भी कौन सा क्या करना, टाइटल कभी दोनों मिलकर करते हैं जी जी, जी। प्राइज बैज मुझे पूछते हैं, मुझे नहीं पता है सब लोग जी। तो आपको पेंटिंग क्या देता है, सबसे ज्यादा खुशी देता है? दिन में कुछ किया ऐसा तो लगे कुछ नहीं, चलो एक स्केच में ड्राइंग किया लगता है चला दिन खराब नहीं गया, दूसरा सब कुछ काम हुआ। तो आप रोज काम करती हैं? हाँ डेली काम करते हैं हम लोग, रोज पेंटिंग करते। जब शो होगा तब ज्यादा होता नहीं तो 2 घंटा 1.5 घंटा जब भी टाइम मिले कुछ भी करते हैं। आजकल थोड़ी उम्र हुई तो नहीं होता, 1/2 घंटे करो फिर बैठ जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट टीवी देखो फिर शुरू करो, ऐसे ऐसा होता है क्योंकि मेरे को स्पॉन्टेनियस काफी सालों से हुआ है। ओके ओके ठीक है माधवी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।